अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपको वेलकम कहते हैं कुन डिजिटल के चैनल के ऊपर। आज हम लोग एनालिसिस करने बैठे हैं। जैसे कि आपको मालूम है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने बॉलिंग में, लेकिन उसके बाद बैटिंग को हम एनालाइज करते हैं कि बैटिंग में पाकिस्तान ने क्या किया। हमारे साथ मौजूद हैं आदिल भाई। आदिल भाई बताएंगे पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में। पाकिस्तान ने आज अपने ओपनिंग पार्टनरशिप में चेंज किया है, इमरान भट्ट को एज अ डेब्यूटेंट उन्होंने चांस दिया है। डोमेस्टिक में उनके ज़्यादा हाई फाई स्कोर नहीं था, 36 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया, 44 टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास खेले और डेब्यू में उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग एक्यूरेट थी, उन्हें चाहिए था पेशेंस, लेकिन वो अपना पेशेंस पे कंट्रोल नहीं रख सके और लाइन ऑन लाइन तो नहीं खेल सके। आप क्या समझते हैं कि इनकी बैटिंग टेक्निक इतनी अच्छी नहीं है या पिच में कुछ ड्रॉबैक है, अनइवन बाउंस है? पिच में ऑब्वियसली अनइवन बाउंस था, बॉल उठ रहा बैठा था, वो ऑब्वियस था क्योंकि कराची की विकेट स्पिन ट्रैक बनाई गई है। इसीलिए पाकिस्तान ने सिर्फ 2 फास्ट बॉलर जेनिन खिलाए, 2 स्पिनर्स को चांस दिया है, जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली को डेब्यू को चांस दिया गया। ये पंजाब से कराची के हैं लेकिन पंजाब से खेलते हैं। और उसके अलावा इन्होंने जासिर शाह जो हमारे एक्सपीरियंस लेग स्पिनर है उनको चांस दिया। फास्ट बॉलिंग में इन्होंने 2 फास्ट बॉलर पर इतफा किया है, एक हसन अली को दोबारा कम बैक हुआ है और उसके साथ शाहीन शाह भी नंबर 1 बॉलर चल रहा है। अच्छा, तो ताबिश को क्यों नेगलेक्ट किया गया, कुछ इस पर आप कहेंगे? क्योंकि वो हैं भी कराची के ही, उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो एनवायरनमेंट क्लाइमेट सबको समझते हैं। यही तो मसला है सर, ताबिश का आप पिछले 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो नंबर 1 बॉलर हैं डोमेस्टिक सीजन के और उनके टोटल मैदान के 598 विकेट्स हैं अब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में। नाम उनका आया है सतह में, इनका मौजूद तो है, उम्मीद ये थी कि कराची की विकेटों से वो बिल्कुल आशना थे, उन्हें इस विकेट पे खेलने का काफ़ी तजुर्बा है और उन्हें पता है किस जगह बॉल को टिप्पा कराना, किधर से बॉल मूव होगी, कहां से निकलेगी, आइडिया है। पेस तीनों बॉलर का लगभग सेम है, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फहीम अशरफ और चौथे ये थे ताबिश अली। मेरे ख्याल में इन्होंने फहीम अशरफ को चांस दिया ताबिश के ऊपर तरजीह देके। हसन अली तो चले बैटिंग ऑलराउंडर भी आ गए, वो भी बन गए, उन्होंने डोमेस्टिक में भी सेंचुरी स्कोर की है, उनको लेटेस्ट हॉट नंबर 1 पे चलने के लिए चांस दिया। लेकिन मेरी ज़्यादा राय थी कि फहीम अशरफ की अगर ताबिश खान को चांस देते या तो अपनी बैटिंग, उन्हें बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया। टोटल फहीम अशरफ ने 5 ओवर्स कराए तो आप देखें वो बैटिंग में क्या करते हैं। अच्छा, अभी जैसे आप देखते हैं कि 34-4 पाकिस्तान का स्कोर, 34-3, तो आप क्या देखते हैं कल सुबह तक पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा, इस 200 रन की पर कुछ लीड दे पाएगा या मुश्किल हो जाएगा? फर्स्ट आवर तो बहुत ही डेंजरस होता है, आपको पता है, नया डे होता है, फ्रेश विकेट। हाँ, नॉर्मली कराची में बॉल स्विंग करता है बहुत ज़्यादा, लेट आवर होता है, 3-3.5 बजे के बाद शाम में रिवर्स स्विंग मिलती है, क्यों उसी के करीब हम कराची का स्टेडियम तो रिवर्स स्विंग मिलती है। सुबह का हम अगर इन्होंने सर्वाइव कर लिया फर्स्ट आवर, क्यों फवाद आलम में कैपेसिटी है, अजहर अली भी अच्छे बैट्समैन है, कॉन्फिडेंस के साथ और थोड़ा स्टे करना पड़ेगा विकेट पर। अगर स्टे नहीं किया और विकेट अर्ली ऑन दे दी तो ये टीम मुझे नहीं लगता 100 रन से ज़्यादा की है। फिर अगर फर्स्ट इनिंग की लीड और साउथ अफ्रीका को मिल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो विकेट बनाई है स्पिन ट्रैक, इन्होंने इस माइंड सेट से बनाई कि यासिर साहब को निशाना की वजह स्पिन मिलेगी, लेकिन जब वो स्कोर ही नहीं होगा तो उसको कहाँ से बॉल करवाएंगे। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपने देखा, आदिल भाई ने बड़े अच्छे अपने कमेंट्स दिए कि पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और अगर कल 1 घंटा पाकिस्तान सर्वाइव कर लेता है तो पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मिलेंगे और इसके ऊपर कुछ बात करेंगे और कुछ नई टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।